ऑयल से लेकर 19 तक, इनमें हर सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है कि जो एडॉप्शन का प्रोसेस है वो क्या होगा और एडॉप्शन के लिए एलिजिबिलिटीज किसके पास हैं या जो गोद देने वाले व्यक्ति हैं उनके पास क्या अधिकारात हैं गोद देने के लिए। गोद लेने के लिए कोई पुरुष या कोई महिला जिसको गोद लेना है, ये दोनों विवाहित हैं तो उनके कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र नहीं होना चाहिए। अगर उनको इन तीनों श्रेणियों में कोई भी बच्चा है तो ऐसी स्थिति में वो किसी तीसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो उस गोद लेने के लिए जो एज का डिफरेंस है वो मिनिमम 21 ईयर का होना चाहिए। साथ ही साथ एज, जो एज की बात करते हैं तो गोद लेने वाला व्यक्ति और जो गोद देने वाला व्यक्ति है उनकी एज भी मिनिमम 25 ईयर यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ गोद लेने वाला और गोद देने वाला दोनों अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि कोई गोद दे रहा है अपने बच्चे को तो उसको अपनी अर्धांगनी यानी अपनी वाइफ से कंसर्न लेनी होगी। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष गोद ले रहा है तो उसको भी अपनी वाइफ से कंसर्न लेनी होगी। एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे का कल्याण यानी बच्चे का भविष्य, उसका भरण पोषण, जो एक्ट में उसकी हेडिंग से ही हमें समझ में आता है एडॉप्शन और मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस इम्पॉर्टेंट है एडॉप्शन के लिए। एडॉप्शन होने के बाद यदि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो सकता बच्चे का यानी प्रॉपर कल्याण नहीं हो सकता है तो वो एडॉप्शन की प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगी। यहाँ पे माता पिता एडॉप्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ यदि बच्चे का कोई गार्जियन है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिले, उदाहरण ऐसे देखने को मिले जिसमें किसी एक्सीडेंट में माता और पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चा माता पिता विहीन हो गया। ऐसी स्थिति में उनके जो नेचुरल गार्जियन है वो नेचुरल गार्जियन को वही राइट मिल जाते हैं जो उनके जैविक माता पिता को होते हैं। तो जो उनके गार्जियन होंगे उन गार्जियन को भी बच्चे को गोद देने से पहले न्यायालय से गार्जियनशिप के अपॉइंटमेंट का डिक्लेरेशन कराना होगा। उसके साथ ही साथ उस बच्चे के वेलफेयर के लिए उसको गोद देने के लिए परमिशन कोर्ट से लेनी होगी। कोर्ट को ऐसी परिस्थिति में ये देखना होता है कि बच्चा जहाँ पर है वहाँ पर उसका मेंटेनेंस प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो जिसके पास जा रहा है वहाँ पर उसकी प्रॉपरली केयरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट जो गोद देने वाली पिटीशन है उस पिटीशन को निरस्त कर सकते हैं यानी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसमें गोद लेने और गोद देने के लिए दोनों पक्षों को अपनी अपने जो अधिकार हैं उनको अवलोकित करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर समय कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। शिवानी जी, मेरा सवाल एक आपसे भी रहेगा कि चाहे नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो, जिसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए क्या लाभ मिल सकता है? प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जो लॉ है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट विच केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 12th of December 1961। बेसिकली दिस लॉ प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी भी वर्क प्लेस पे, चाहे वो फैक्ट्री हो या माइन हो या इंडस्ट्री हो या किसी भी तरीके का ऑफिस हो, कहीं पे भी किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी उसके एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क, किसी भी तरीके का कोई फर्क ना आए या उसकी एम्प्लॉयमेंट से उसको बायकॉट ना किया जाए, इसके लिए एक बहुत ही क्लियर एक्ट बनाया गया है विच इज़ मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि एक साल में वुमेन ने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट में एटलीस्ट 80 डेज वर्क किया हो। सेकेंडली, जो उनको वेज मिलती है वो उनकी एवरेज डेली वेजेस के हिसाब से ही उनको दी जाती है, जितने पीरियड का उनका एब्सेंस है। अपनी अटेंडेंस की बात करते हैं, 2017 में इसमें कुछ इस पर्टिकुलर मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, जिसमें जो 12 वीक्स की हमें हॉलीडे दी जाती थी बिफोर द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स। उसके बाद कुछ वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस करे गए थे। वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि आजकल COVID-19 में भी जिस तरीके से ऑफिस इंसान नहीं अटेंड कर सकता है कोई भी पर्सन, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली सेम एज दैट, अभी जब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी 2017 में जो अमेंडमेंट्स आए थे उसमें वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करा गया था।
उसके बाद जो वुमेन जिनके बच्चे क्रेच में जिनका सब पालन पोषण होता था उनको पर्टिकुलर डे में एटलीस्ट 4 times अ डे दे आर अलाउड टू विजिट क्रेच. उसके बाद बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं कोट करना चाहूँगी मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत, विच इज़ सेक्शन 5, 9A, 10, 11, 11A, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं कि कितनी कितनी पेमेंट उनको किस तरीके से अलाउड है, क्या क्रेच के बेनिफिट्स हैं, क्या उनके लैक्टेशन के बेनिफिट्स हैं, विच आर क्लियरली मेंशन इन दीज सेक्शंस. एक प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाली थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, विच इज़ बेसिकली अ मेटर्निटी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन 2017. स्कीम जो थी वो फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए थी, फॉर ऑफ 19 ईयर्स एंड अबव ऑफ एज. इनमें जो कैश बेनिफिट था वो 6,000 पर मंथ के हिसाब से, नॉट 6,000 पर मंथ, टोटल अमाउंट ऑफ 6,000 का एक अमाउंट हमें दिया था. जो बाइफर्केटेड अमाउंट हमें किस तरीके से मिलता था, जो पहला फर्स्ट 1,000 का जो हमारा ट्रांसफर फर्स्ट ट्रांसफर होता था वो हमें मिलता था जब हम आंगनवाड़ी सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं. कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अपना आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराती है, वो एक आंगनवाड़ी सेंटर में एक प्री नैटल प्रोग्राम अटेंड करती है. जो नेक्स्ट 2,000 हमारे जो सेकेंड ट्रांजैक्शन होता था 2,000 का, वो विद इन 6 months ऑफ कॉन्सेप्शन हमें प्रोवाइड किया जाता था. और जो नेक्स्ट 2 months का हमारा नेक्स्ट 2,000 का जो ट्रांजैक्शन था वो हमको जब हमारा बेबी का बर्थ हो जाता है, जो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी किसी बेबी को बर्थ दे देती है, उसके 3.5 months के विद इन उसको वो 2,000 का अमाउंट इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता था. तो बहुत सारी इस तरीके के मेटर्निटी बेनिफिट्स हैं जो हमारे इंडियन लॉ में फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन डेजिग्नेट किए गए हैं. तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं. हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए मध्य प्रदेश से, ब्रजलाल. ब्रजलाल जी सवाल पूछिए अपना. जी मेरा सवाल ये है, यदि कोई लैंड एग्रीमेंट किया है तो कोरोना का ये लॉकडाउन में उसका लिमिटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग आपने लैंड का कोई भी एग्रीमेंट अगर किया है तो उस एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको बोथ पार्टीज यानी दोनों पक्षों को उसको मानना वैधानिक रूप से आवश्यक है. लेकिन इधर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस से प्रत्येक जिले की अदालत, प्रत्येक हाई कोर्ट उस डायरेक्शंस को मान रही हैं. और लॉकडाउन में जो न्यायालय बंद रही हैं इस वजह से कोई भी लीगल प्रोसेस में नहीं जा पा रहा है और नहीं जा पाया है. ऐसी स्थिति में यदि एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में जो ड्यूरेशन था वो पूरा भी हो रहा है तो उसमें लिमिटेशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आपका जो डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन होगा उसको लीगल प्रोसेस में जाने पर कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको इस बीच में मियाद से निर्मुक्त किया जाएगा, यानी जो आपका इस बीच में डिले हुआ है वो डिले कंडोन किया जाएगा न्यायालय से. क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, प्रत्येक हाई कोर्ट के इस तरह के डायरेक्शंस अपने अपने स्टेट के प्रत्येक जिले के जो जिलाधिकारी हैं और जो जिला जज हैं उनको निर्देशित किया गया और जो एक गाइडलाइन बनाई गई वर्किंग की, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में ये ड्यूरेशन कवर करती है और आपको इस बीच का जो लाभ मिलना चाहिए मियाद छूट का वो मिलेगा. बिल्कुल. तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल हैं यहाँ पर आपके सभी सवालों के समाधान मिलेंगे. और सर एक सवाल मेरा भी आपसे है कि जिस तरीके से जो टैक्स की लाइबिलिटी पर जो गिरफ्तारी हो सकती है, क्या ऐसा कोई समाधान है? देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम गिरफ्तारी शब्द की बात करते हैं तो गिरफ्तारी यानी अरेस्टिंग एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जी. जो सीआरपीसी आईपीसी के प्रोसेस के अंतर्गत गिरफ्तारी के को अंजाम दिया जाता है. अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं. सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स के लिए बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए गिरफ्तारी की जा सकती है. इसमें किसी भी टैक्स को ना देने की स्थिति में किसी को इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अगर गिरफ्तार करना है तो उसको एक नोटिस दी जाएगी. उस नोटिस में जो गिरफ्तारी का कारण है यानी रीजन ऑफ दी अरेस्टिंग वो उसमें मेंशन किया जाएगा और उससे उसके संबंध में एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा.
स्पष्टीकरण लेने के बाद यदि गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक है तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको एक्ट के अकॉर्डिंग ये राइट दिए गए हैं कि वो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को अंजाम दें, अंजाम दिलावें पुलिस के द्वारा। और यदि ऐसा लगता है उन्हें फैक्ट के आधार पर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो जो एक्ट में प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जी, और धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि जो पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं वो कार बाइकों को रोक देते हैं, रास्ते में उनको रोक दिया जाता है, क्या इसके लिए कोई कानून बना है? अगर कानून बना भी है तो उसके लिए क्या कुछ सजा दी जाती है? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1886 की अगर हम बात करते हैं जी, तो उसमें जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो सामान्य तौर पर पुलिस का एक्ट देखने को मिलता है वो एक्ट जो है उनका कार्य वो अधिनियम के अनुसार नहीं है। यानी पुलिस वालों का जो सामान्य तौर पर एक्ट देखने को मिलता है वो अकॉर्डिंग टू एक्ट नहीं होता है। उसका कारण ये है कि दो पहिया वाहनों में जो मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स हैं, उसको कोई हेलमेट लगा के जा रहा है, उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने बाइक के रख रखे हैं, और पुलिस के लोग कहीं चेकिंग करते हैं तो देखने को प्राय आता है कि अचानक आगे डंडा लगा के गाड़ी को रोकने का प्रयत्न करते हैं, या जो इस तरह के व्हीकल में लोग जा रहे हैं, तीन सवारी भी हैं तो तीन सवारी होने पर उनके लिए एमबी एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग चालान किया जाना चाहिए। यदि हेलमेट नहीं लगाया है तो उसके अकॉर्डिंग चालान किया जाना चाहिए। और अब तो पूरे देश में, अभी उत्तर प्रदेश में भी ये स्टार्ट हो गया है कि ई चालान के व्यवस्थाएँ हो गई हैं। तो कहीं पर भी बल का प्रयोग मोटर व्हीकल एक्ट में पुलिस को डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेट्रोमोलियन केसेज हैं, यानी पिटी ऑफेंसेज हैं। इसमें कार में सीट बेल्ट लगा के अगर कोई नहीं जा रहा है तो उसको रोकने के लिए कार के आगे नहीं आना चाहिए। कार को रोकने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हाथ का इशारा करते हुए या जो पुलिस को सामान्यतः बल का प्रयोग करना है वो करना है। किसी को नुकसान पहुंचा के एमवी एक्ट के अंतर्गत कोई प्रोविजंस को फॉलो अप नहीं किया सकता है। इसमें जो सेक्शन है उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, चाहे सेक्शन 135 की बात करें, चाहे सेक्शन 185 की बात करें, चाहे 270 की बात करें, जितने भी 207 की बात करें, ये जो भी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट मिलना चाहिए गाड़ी के मालिक को, गाड़ी के ड्राइवर को, बाइक के ड्राइवर को यानी बाइक चलाने वाले को या बाइक के मालिक को, तो निश्चित रूप से प्रोविजंस एमबी एक्ट में प्रोवाइडेड हैं। उसके अकॉर्डिंग पुलिस के अधिकारियों को, यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो एक्ट में प्रोविजंस हैं उसमें हेड कांस्टेबल को अभी अमेंडमेंट के बाद से 100 रुपीज तक के चालान करने का ही अधिकार है। इससे ऊपर का यदि कोई चालान किसी सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाना है तो वो उच्च अधिकारी को करने के अधिकार हैं। यानी वो SI हो, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो या सर्किल ऑफिसर हो, जो इस तरह के अधिकारी हैं यानी हेड कांस्टेबल से ऊपर के पदाधिकारी हैं पुलिस के, उनको ही चालान करने के अधिकार हैं। तो एमबी एक्ट के रूल्स को सामान्य तौर पर यदि पुलिस के अधिकारी फॉलो नहीं करते हैं तो ये भी एक कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है, क्राइम की श्रेणी में आता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं लखनऊ से, दीपक त्रिवेदी। दीपक जी सवाल पूछिए, वीके जी सवाल पूछिए। लगता संपर्क टूट गया है, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और धर्मेंद्र जी, देखा जाता है कि जब पुलिस कर्मी जो होते हैं अगर वो हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उन पर चालान नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आम जनता नहीं पहनती तो उस पर चालान किया जाता है। देखिए, जो एमबी एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग, धर्मेंद्र जी आपको मैं रोकना चाहूंगी। वीके हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं लखनऊ से, वीके जी सवाल पूछिए। वीके जी सवाल पूछिए। मैडम, हमारे नाम से एक गांव की घर था रजिस्टर्ड वसीयत जी, पापुर थे जी। जी सवाल पूरा करिए। हाँ, इतापुर में रजिस्टर्ड वसीयत थी, उस पर हमारे गांव के लोगों ने कुछ कब्जा कर लिया, तो उसके लिए हमने केस किया। आज 12 साल हो रहे हैं लेकिन उस पर आज तक कोई हमारे केस की फाइनल रिपोर्ट नहीं लग पा रही और लटका हुआ है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, आपने सीतापुर की जिला अदालत में आपकी वसीयत जो आपके पक्ष में है, यानी जिस दस्तावेज के माध्यम से आपको टाइटल प्राप्त हुआ, आपका स्वामित्व प्राप्त हुआ, उसके निष्पादन की कार्रवाई आपको करनी चाहिए। इस बीच में किसी ने आपके मकान पे या आपकी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है तो अभी आप सिविल प्रोसेस में गए होंगे उसके इजेक्टमेंट के लिए, उसको बेदखल करने के लिए। सिविल प्रोसेस
जो लॉ है सीपीसी का या जो हम रेवेन्यू कोड में प्रोसेस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं विलंबता होती है, तो आपको उस केस को एक्सपेडाइट कराने के लिए यानी जल्दी निस्तारित कराने के लिए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए कि हमारे मुकदमे में जो अवैधानिक कब्जा हुआ है उसके बेदखली के लिए शीघ्रातिशीघ्र डिग्री पारित हो, इसके लिए ट्रायल को कम समय में खत्म किया जाए। अगर उस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय संज्ञान लेते हुए त्वरित मुकदमे को निस्तारित करती है तो आप जो उपशम चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि न्यायालय आपको सपोर्ट नहीं करती है यानी उस एप्लीकेशन को निरस्त कर देती है या आपके फेवर में कोई ऑर्डर नहीं आता है तो उस एप्लीकेशन पर हुए आदेश के विपरीत उस जो एप्लीकेशन पर आदेश माननीय न्यायालय का है उससे प्रभावित होकर के आप ऑनरेबल हाईकोर्ट जा सकते हैं और ऑनरेबल हाईकोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल करके आपके सूट के ड्यूरेशन फिक्सेशन का ऑर्डर करा सकते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट सामान्यतः इस तरह के मामलों में 6 महीने 1 साल का समय निर्धारित कर देती है जिसके आधार पर आपके मुकदमे का निस्तारण आपकी ट्रायल कोर्ट 6 महीने और 1 साल के अंदर कर देती है। आपको इसके साथ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, आपने सिविल प्रोसेस किया है लेकिन इलीगल ट्रेसपासिंग के लिए आपने क्रिमिनल प्रोसेस नहीं किया है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वैसे ये टाइम बार्ड हो गया है, 10-12 साल पहले किसी ने कब्जा किया है तो टाइम बार्ड भी हो गया, फिर भी आप उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि आपका जो वैधानिक अधिकार है उस पर फला व्यक्ति ने इंक्रोचमेंट करते हुए वहाँ पर अवैध कब्जा कर लिया है और आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसेस में एक कंप्लेंट केस भी फाइल करा सकते हैं। इस बीच में आपको इस बात का ज्ञान नहीं था, ये तथ्य आपके डिले कंडोनेशन का पर्याप्त आधार होगा। बिल्कुल, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं, कोरोना पर सबसे भरोसेमंद संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं, सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रमाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. Mount Litera Z School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Litera Z School, Mundao. IPL Pan Masala, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं सीतापुर से, ब्रजलाल। ब्रजलाल जी सवाल पूछिए, माफी चाहेंगे। अब बजरंग लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बजरंग लाल जी सवाल पूछे।
बजरंग लाल जी सवाल पूछें अपना, अगर संपर्क टूट गया आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सर मेरा सवाल है, मैंने आपसे जो हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे सवाल पूछे सीतापुर से जुड़ चुके हैं, बजरंग लाल जी सवाल पूछिए। ऐसा मैडम ऐसा है, मैं हाईकोर्ट से केस जीत चुका हूँ दुकान का जी, उसमें उनको एक साल का टाइम दिया गया था, 29 मार्च को टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने दुकान का पैसा मैंने दिया है, तो उनके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लागू हुए, अब क्या किया जाए हमें ये बताइए। देखिए ऑनरेबल, हाईकोर्ट से आपने कोई रेंट कंट्रोल एक्ट के जो केस हैं उनमें कोई रिलीफ प्राप्त किया, यानी आपने दुकान में जो टेनेंट था उसको बेदखली के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है, उस आदेश का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। यदि मार्च में उनको पोजीशन देना था उन्होंने नहीं दिया है, तो आपको एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। बीच में जो रेड जोन के एरियाज में कोर्ट थी उन कोर्ट में वर्किंग नहीं हो रही थी, बाकी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर वर्किंग स्टार्ट हुई थी। आप अपने ऑर्डर जो आपके पक्ष में डिक्री हुई और डिक्री के बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके फेवर में हुआ, उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप बेदखली की कार्रवाई को कर सकते हैं। जो किराएदार या वहाँ पर कब्जेधारक है वो यदि अपना कोई इस तरह का डिफेंस लेके आता है या अपना कोई ऐसा फैक्ट लेके आता है कि इस बीच में हमको मौका नहीं मिला, हमें बेदखल करने, जो हमें यहाँ से बेदखली करनी है अपनी, उसके लिए हमें समय मिले, तो इस पर उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ड्यूरेशन फिक्स किया होगा, मार्च तक किराएदार को जगह का भौतिक कब्जा रिक्त करते हुए आपको प्रदान किया जाए, तो निश्चित रूप से उसका इजरायवाद होना चाहिए और एग्जीक्यूशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, आप इजराय की कार्रवाई में जा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, फिरोजाबाद से हैं, ओसीन, ओसीन जी सवाल पूछिए अपना। पापा लास्ट की फोन पे नाम आ रहा है वो पापा, हेलो, मैं पूछना चाहती थी कि मेरा 143 का केस चल रहा था, सिटी मजिस्ट्रेट से मेरे खिलाफ ऑर्डर हो गया था, तो कब्जा मेरी अपोजिट पार्टी को दे दिया गया था, लेकिन मैं उसके अपोजिट में उसके विरोध में हाईकोर्ट में गई हूँ, वहाँ पे मेरा केस पेंडिंग पड़ा है, लेकिन उसी बीच जो है मेरी अपोजिट पार्टी ने घर बेच दिया है और घर बेच दिया और वो अब रहने लगे हैं पूरा उसमें, जिनको घर बेचा है वो पूरा रह रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं उनको निकालने के लिए घर से। देखिए 145 CRPC का जो प्रोसेस है उसमें किसी संपत्ति पर दो पक्ष अपना हक जाहिर करते हैं और दोनों पक्षों को हक अपना एस्टेब्लिश करने के लिए आपस में विवाद होने की स्थिति में CRPC के जो प्रोविजन है उसमें 107 117 यानी 116 की प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, 117 की प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, उसके बाद 145 कार्रवाई होती है, 145 के बाद 146 की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जिसको सिटी मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी मानते हैं कि ये एक्चुअल टाइटल होल्डर है या ये मालिक है उसको वो पोजीशन हैंडओवर कर देते हैं। आपने जो 145 और 146 की कार्रवाई के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की है उसमें कोई एंट्री ऑर्डर अगर नहीं मिला है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं उचित नहीं है, आपको उस रिट याचिका में अंतरिम आदेश लेना चाहिए था, फिर भी आपको लीगल रिलीफ ये मिल सकता है कि आपके दूसरे पक्ष ने 145-46 की कार्रवाई और उस पर अपील पेंडिंग रहने के दरमियान यदि प्रॉपर्टी को किसी अन्य को ट्रांसफ़र कर दिया है तो उस ट्रांसफ़र डीड को आप सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और आपके जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसके उस फैक्ट के साथ में उनकी डीड कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है वो भी न्यायालय के समक्ष चल सकता है और डीड कैंसिल भी हो सकती है। आपका अगर टाइटल सही है तो आपको प्रॉपर्टी डीड कैंसिलेशन के बाद पुनः मिल सकती है, लेकिन आपको सिविल प्रोसेस और क्रिमिनल प्रोसेस दोनों में प्रॉपर परसुएंस करनी चाहिए। जी हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है और वैश्या है दिल्ली से, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मैडम जी, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ मैं केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हुई थी और मैं अप्रैल में एक साल पहले रिटायर हुई थी, इस साल 30 मार्च को मेरे को मेरा जो मिलना था पैसा 34 लाख रुपया एक साल लेट मिला है, क्या हम उसके लिए मैं ब्याज समेत अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक साल का 34 लाख का ब्याज बहुत हो सकता है। देखिए आपके जो आफ्टर रिटायरमेंट कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए, जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में अगर आपके वो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट नहीं मिले हैं तो आप इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं, बाय द लीगल प्रोसेस आपने इंटरेस्ट का क्लेम करेंगे तो आपको जो विभाग है उसको आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई प्रतिपादित सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत आपके बेनिफिट को सपोर्ट करेंगे। ओके,
जी, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रही हैं। और धर्मेंद्र जी, अगर घर में इस गैस सिलेंडर फट जाता है तो क्या इसके मुआवजे कोई विधान है? देखिए, गैस कंपनियां जो गैस सिलेंडर है जी, या गैस की पाइपलाइन से आजकल पीएनजी का घरों में जो पीएनजी लाइन का संयोजन होता है और घर में गैस की सप्लाई होती है, इस पर अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक प्रतिपादित सिद्धांत है जिसके अनुसार आप यदि गैस सप्लाई होते समय या गैस के सिलेंडर से गैस जो घर में यूज़ की जा रही है उसके समय कोई दुर्घटना घटित होती है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, ये सामान्य तौर पर लोगों के ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप गैस कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं और इसमें आपके डैमेजेस के अकॉर्डिंग यानी 1,00,000 रुपए से लेकर 40,00,000 रुपए तक का क्लेम करते हुए आपको क्लेम न्यायालय द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह की जब भी दुर्घटना हो उस पर यदि आपको लगता है कि हमें जो गैस कंपनियां हैं उनसे अपने डैमेजेस को क्लेम करना है तो इसमें लीगल बारिंग नहीं है, आप लीगल क्लेम कर सकते हैं और आपको आपके आपकी दुर्घटना के अकॉर्डिंग आपको कोर्ट द्वारा बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अर्जुन है ग्वालियर से। अर्जुन जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी जी, सवाल पूछे। सवाल ये है, एक जमीन है, काफी बड़ी जमीन है जी, उसका मालिक मुझे ही माना है। हेलो जी, सवाल पूरा करिए अपना। अर्जुन राव करके बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ की एक जमीन है काफी बड़ी है मेरी, नया बाजार में सिटी में जी, मालिक मैं ही हूँ जी। हाँ, मालिक मैं ही हूँ। अर्जुन जी, सवाल पूरा करिए। मार्केट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था उसके ऊपर वहाँ पे, हाँ सिटी में, तो हाँ, तो उसके बाद में मैं उस जो पीछे जगह जो थी, हेलो सर जी, अर्जुन जी आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अनिल है कानपुर से। अनिल जी, सवाल पूछिए। इसका संपर्क टूट गया है, सर अपनी बात पूरी करें जी। मैं दर्शकों को ही अवगत करा रहा था कि यदि गैस कंपनी द्वारा गैस सप्लाई होते समय या गैस सिलेंडर के द्वारा कोई भी दुर्घटना घर में घटित हो जाती है तो उस दुर्घटना को आप क्लेम कर सकते हैं और उसके लिए जो भी आपके डैमेजेस हैं उसको देने के लिए गैस कंपनी पर बाइंडिंग्स हैं, वो आपको आपकी दुर्घटना के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगी। यदि वो पेमेंट नहीं करती हैं तो आपको न्यायालय के द्वारा ये उपशम प्राप्त हो सकता है जी। और धर्मेंद्र जी, महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं? देखिए, महिलाओं के गिरफ्तारी के लिए जो CRPC के प्रोविजन्स हैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, किसी भी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस के द्वारा ही की जाएगी, किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला एक्यूज की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अभी जो प्रोविजंस हैं उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो टाइम है उस टाइम में शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक किसी भी महिला की यानी रात में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। महिला की गिरफ्तारी के लिए दिन में ही पुलिस को प्रोसेस करना होगा। महिला की गिरफ्तारी के लिए यदि बहुत गंभीर कोई मामलात हैं उसके लिए पुलिस अधिकारियों को न्यायालय से परमिशन भी लेनी होगी और किसी भी महिला को किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ मानवाधिकार के जो नियम हैं उन नियमों का पुलिस द्वारा प्रॉपर फॉलोअप किया जाएगा, यानी किसी महिला को किसी भी तरह की प्रताड़ना, थ्रेटिंग या इस तरह का कोई भी एक्ट किसी महिला के साथ नहीं किया जाएगा जिसमें मानवाधिकार के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा हो। महिलाओं के लिए जैसा कि मैंने बताया दर्शकों को, रात में गिरफ्तारी के प्रोविजंस नहीं हैं। इसके बावजूद जो सामान्य तौर पर देखने को आता है तो पुलिस किसी भी समय कोई भी एक्ट कर लेती है वो बारिंग है। इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर व्यूज़ अपने दिए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बहुत क्लियर व्यूज़ दिए हैं और पुलिस को गाइड किया है। पुलिस एक्ट में CRPC में ऐसे कोई भी प्रोविजंस नहीं है जिसमें पुलिस को ये अधिकार मिल जाए कि किसी महिला के साथ कानून की जो परिधि है उसके बाहर जाके गिरफ्तारी के प्रोसेस को अंजाम दें जी। और धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से अब COVID-19 की वजह से अब अनलॉक चल रहा है और कुछ लोग हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो लॉकडाउन अभी तक चला और जिस प्रकार इस समय कुछ शिथिलता दी गई यानी कुछ ढील दी गई, तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन का पालन
जब तक लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 चला, लोगों ने उसको फॉलो किया। अभी कुछ शिथिलता के बाद भी लोगों को ये देखने को मिल रहा है, अभी जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग रात में 9 बजे से लेकर सुबह का जो एक ड्यूरेशन फिक्स किया गया, जिसमें अभी भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन ही रहेगी, सिर्फ एसेंशियल एनिमिटीज़ या एसेंशियल जो नीड्स की चीज़ें हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन या उनके ले जाने आने के लिए जो व्हीकल्स हैं या इस तरह के और जो साधन हैं उन साधनों के लिए शिथिलता दी गई। बाकी अभी भी हर व्यक्ति को जो COVID-19 का प्रभाव है उससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मास्क और सैनिटाइजर के प्रोसेस हैं उनको करते रहना होगा, साथ ही साथ जो वर्कमैन हैं वो अपने वर्क प्लेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और पालन ना करने की स्थिति में आप देखिए स्प्रेड जो अभी फिलहाल भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए लॉकडाउन किया या जो अभी रूल्स फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से विस्तार होना चाहिए उस तरह से विस्तार नहीं हुआ है, ये आम जनता के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरीके से विस्तार होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, और लेकिन जनता खुद इसका उल्लंघन कर रही है, जो शायद जो वायरस बढ़ता जा रहा है लगातार COVID-19 का उसको आगे और बढ़ा रही है। फिलहाल का बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और शिवानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी।